हेलो डियर लर्नर्स इन टूडेज लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लांट क्वारंटीन आज हम स्टडी करेंगे प्लान्टॉरंटीन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट क्वारंटीन पेस्ट एंड डिजीजेज विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइज दैन पेस्ट एंड डिजीजेज विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्राम अदर कंट्रीज दैन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लाट क्वारंटीन origin of international plant quarantine

और प्लांट क्वारंटीन का डेफिनेशन है अ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज फॉर द पर्पज एक्सक्लूजन प्रवेंशन और डिले इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट्स पेस्ट एंड डिजीज़ इन द एरिया वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट देखिए प्लांट क्वारंटीन में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी प्लांट डिजीज नहीं थी और उस एरिया में वो प्लांट डिजीज ना स्प्रेड हों इसके लिए हम फॉलो करते हैं प्लांट क्वारंटीन मेजर ताकि हम चेक कर सकें कि, कि किसी भी इन्फेक्टेड एरिया से नॉन इन्फेक्टेड एरिया में प्लांट पैथोजन एंटर ना हो जाए सो प्लांट क्वारंटीन डिजाइंड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट हार्मफुल पेस्ट पैथोजन एग्जॉटिक टू अ कंट्री और अ रीजन प्लांट क्वारंटीन एम एट प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ पैथोजन फ्रॉम इन्फेस्टेड एरिया इन टू नॉन इन्फेस्टिड एरिया एट इंटरनेशनल और नैशनल लेवल देन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट क्वारंटीन प्लाट क्वारंटीन का क्या इंपॉर्टेंस है और हम इस, इसे क्यों फॉलो करते हैं आ नंबर ऑफ फॉरन पेस्ट एंटर ऑफ कॉन्टिनेंट इन द अर्ली ट्वेंटीज बिकॉज ऑफ द इन एडिकुएट क्वारंटीन कंट्रोल तो देखिए इनिशियली बहुत से फॉरन पेस्ट इंडिजीनियसली या नॉन इंडिजीजी एंटर करते थे क्योंकि हमारे पास कोई भी अप्रोप्रेट quarantine control nahi tha. the significance of plant quarantine has increased in view of globalization and liberalization in the international trade of plants and plant material in the wake of sanitary and phytosanitary agreement under wto third it prevents the introduction and spread of exotic pests that are destructive to crops by regulating restricting the import of the plant products to facilitate सेफ ग्लोबल ट्रेड इन एग्रीकल्चर बाय असिस्टिंग द प्रोसीजर एंड एक्सपोर्टर बाय प्रोवाइडिंग अ टेक्निकली कम्पीटेंट एंड रिलायबल फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट सिस्टम टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स तो इसमें हम प्रोवाइड करते हैं फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेट सिस्टम ताकि वेल ट्रेड जो है वह एग्रीकल्चर में हो सके पैथोजन ऑफ माइनर कॉन्सिक्वेंस इन दर नेटिव एनवायरमेंट में भी डिस्ट्रक्टिव इन अ न्यू एनवायरमेंट

phytophthora infestans and it introduced from south america to europe in 1830 then powdery mildew of grapes a powdery mildew of grapes it is caused by uncinula nicator and it is introduced from usa to england in 1845 then citrus canker which is caused by xanthomonas citri and it is introduced from asia to usa in 1907 and then कॉफी रस्ट कॉफी रस्ट which is caused by हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स and it is introduced from अफ्रीका and एशिया to ब्राजील in 1970 सेवेंटी अब हम देखेंगे पेस्ट एंड डिजीजेज विच हैव बिन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्राम अदर कंट्रीज कि कौन कौन सी पेस्ट या डिजीजेज हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूज हुई हैं अदर कंट्रीज से फॉर एग्जाम्पल कॉफी रस्ट विच इज कॉज्ड बाय हेमिल वेस्टेट्रिक्स एंड इट इज़ इंट्रोड्यूसड फ्राम श्रीलंका इन एटीन सेवेंटी नाइन तो ये डिजीज़ इंडिया में श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुई है लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो विच इज़ कॉज्ड बाय फाइटोपथोरा इन्फेस्टस एंड इट इज़ इंट्रोड्यूसड फ्राम इंग्लैंड इन एटीन एटी थ्री दैन वाट ऑफ पोटैटो वाट ऑफ पोटैटो विच इज़ कॉज्ड बाय सिंचिट्रियम एंडोबायटिकम एंड इट इज़ इंट्रोड्यूसड फ्राम नीदरलैंड इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री then crown gall of apple and pear crown gall of apple and pear which is caused by agrobacterium tumefaciens and it is introduced from england in 1940 fire blight of pear fire blight of pear introduced from england in 1940 then let's talk about the history of the plant quarantine if we talk about the history of the plant quarantine in mid सिक्सटीन हंड्रेड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच फॉर्नर फार्मर्स नोटेड दैट व्ही ट्रस्ट वॉज ऑलवेज मोर सीवियर ऑन व्ही नियर बर्बेरी बुश दैन अवे फ्रॉम दैम देखिए मिड सिक्सटी सिक्सटीन हंड्रेड में फ्रेंच फार्मर्स का एक ग्रुप था और उन्होंने ये देखा कि जो व्ही ट्रस्ट डिजीज़ है वो उस एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ पर बर्बेरी बुशज़ हैं कंपेरेटिव टू दोज एरिया जहाँ पर बर्बेर बुश एबसेंट हैं इन सिक्सटी अ लॉ वॉज इटेड इन राउंड फ्रेंच ऑर्डरिंग द इराडिकेशन ऑफ बर्बेरी प्लान फ्राम दिस द ग्रोइन फील्ड तो क्या हुआ कि जो फ्रेंच है वहाँ पे अलाउ किया गया ऑर्डर दिया गया फॉर द इेडिकेशन ऑफ बर्बेरीज प्लांट्स द फर्स्ट ब्रिटिश लैजिस्लेशन अगेंस्ट द डिजीज इन एनिमल्स और प्लाट was an act of 1866 granting emergency powers for destruction of all cattle affected by rinderpest which had been introduced into britain by imported russian cattle previous year in 1877 the united kingdom destructive insect act was passed to prevent the importation of the colorado beetle then in 1891 the first plant quarantine measure was initiated in US by setting up a seaport inspection station at San Pedro, California. The first International Plant Protection Convention, the Philo-Zera Convention was signed at Bernie on 3 November 1881. Then we talk about Origin of International Plant Quarantine Agreement. Now we Origin of International Plant Quarantine Agreement. The early plant quarantine regulation initially started as prohibitions. In 1878, first conference of meeting at Bern, Switzerland, attended by France, Austria, Germany, Italy, Portugal, Spain, and the outcome was international convention on measures to be taken against phylloxera, Vestetrix. Then, in 1914 first effort toward international agreement of plant protection in 1914 was takes place in 1919 50 countries participated and finalized assurances and acceptance of phytosanitary certificate in 1951 fao sponsored ippc and india became a member in 1952 then Let's talk about the law and various act with regard to India. In India, the awareness to quarantine measure in India started in early twentieth century when the Indian government in nineteen zero six ordered compulsory fumigation of imported cotton bales to prevent introduction of Mexican cotton wall weevil, that is, Anthonomus grandis. In nineteen hundred and fourteen, destructive insect and pest that is dip act was established in 1946 plant quarantine processing of exotic germplasm initiated at the indian agriculture research institute that is iari to plant introduction scheme then in 1956 plant quarantine units in the division of entomology and plant pathology established at indian agriculture research institute which is situated at new delhi and then 1976, nbpgr are established. nbpgr, matlovki national bureau of plant genetic resources. in 1981, post-entry quarantine of important wheat, barley, and triticale started in isolation nurseries. in 1983, post-entry quarantine for detection of seed transmitted viruses in exotic legumes started. and in 2003, प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट इन इंडिया ऑर्डर दैट वॉज कमिंग टू एग्जिस्टेंस देन एजेंसी इन्वॉल्व इन प्लांट क्वारंटीन अब प्लांट क्वारंटीन के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं नंबर वन डायरेक्ट्रेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज फरीदाबाद तो इसके फंक्शन क्या है इसका फंक्शन होता है जैसे कि लीगल प्रवेंशन ऑफ बेस्ट ऑफ क्वारंटीन सिग्निफिकेंस इसमें कोई भी हम जो पेस्ट है उसका जो भी इम्पोर्ट है या उसका एंट्री है उसको हम कंट्रोल करेंगे देन इरेडिकेशन सुपरेशन एंड कंटेनमेंट ऑफ एग्जॉटिक पेस्ट फुलफिलिंग ऑब्लीगेशन ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्रीज बाय सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्टेबल प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स देन एन बी पी जी आर दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू डेली It is established in January nineteen seventy-six, and its a headquarters situated at New Delhi. The National Nodal Agency for Exchange of Germless Material of Agri-Horticultural and Agri-Silvicultural Crops for the Research Purposes in the Country. It has also been entrusted with the quarantine responsibility in respect to germplasm of their crops. एंड द डायरेक्टर ऑफ एन वी पी जी आर हैज़ बीन एम्पावर्ड टू इशू द परमिट्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ सीड प्लान्ट मटीरियल फॉर रिसर्च परपजेज़ तो देखिए जो भी डायरेक्टर ऑफ एन वी पी जी आर है उनको ये पावर दी जाती है कि जो भी हम प्लांट या जो भी हम सीड मटीरियल इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर परमिट जो है वो ईशू किया जाना चाहिए ताकि हम ये चेक कर सकें कि उसमें कोई पर्टिकुलर पेस्ट या पैथोजन इन्फेस्टेशन तो नहीं है इसी तरह से बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक क्रॉप स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज आई देन हेड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डिवीजन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एस एंड स्टेट एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्पेक्शन प्रोसीजर फॉलोड इन क्वारंटीन स्टेशन जो भी क्वारंटीन स्टेशन हैं उनमें कौन कौन से इंस्पेक्शन प्रोसीज़र फॉलो होते हैं जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन अब विजुअल इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे जो भी प्लांट है उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या उसमें सिक्लेरोशिया, क्या उसमें निमेटोड गॉल बंट गॉल स्मार्ट्स, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन या कहीं पर वीड सीड या फिर इंसेक्ट एग या फिर इनर्ट मैटर तो प्रेजेंट नहीं है नंबर टू हम करेंगे एक्सरे टेस्ट ताकि इंसेक्ट इन्फेस्टेशन को चेक किया जा सके उसके बाद वॉशिंग टेस्ट वॉशिंग टेस्ट में क्या होगा कि स्पोर्स ऑफ फंगस एग ऑफ इंसेक्ट अडेरिंग टू सीड दैट वुड बी चेक्ड देन वी परफॉर्म सेडिमेंटेशन टेस्ट आफ्टर सेडिमेंटेशन टेस्ट वी परफॉर्म इनक्यूबेशन टेस्ट जिसमें कि हम चेक करते हैं कि जो भी फंजाई है या बैक्टीरिया है वो सीड बॉर्न है देन ग्रो आउट टेस्ट इन ग्रो आउट टेस्ट वी वुड चेक दैट सीड बॉर्न बैक्टीरिया और वायरस और डाउनी मिलड्यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पोटेंशियली इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड करैक्टराइजेशन ऑफ ऑल प्लांट वायरसेज तो जितने भी प्लांट वायरसेज हैं उनको चेकआउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दैन सीरोजिकल मैथड्स लाइक अलाइजा डीबा आई सी ई एम एंड ए ग्लूटिनेशन टेस्ट दे आर परफॉर्म दैन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रेडाइजेशन एंड पी सी आर दैट इज पॉलीमीरेज चेन रिएक्शन So, these are the inspection processes which are followed in Quarantine Station. Now, the International Plant Protection Convention that is IPPC. IPPC, it's a multilateral treaty for International Corporation of the Plant Protection and it was established in 1952 and its headquarters situated at Rome that is in Italy एंड वट इज द वर्क ऑफ आई पी पी सी तो आई पी पी सी का वर्क क्या है स्टैंडर्ड्स ऑन पेस्ट रिस्क एनालिस दैन रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टब्लिशमेंट ऑफ पेस्ट फ्री एरियाज एंड अदर विच गिव स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू एस पी एस एग्रीमेंट्स नाउ वट इज द कंक्लूजन अब ये प्लांट क्वारंटाइन करने का क्या कंक्लूजन है तो प्लांट क्वारंटीन में हम कोशिश करते हैं कि कोई भी पैथोजन है या फिर पेस्ट है वो किसी एरिया में इन्फेक्शन ना करे, अदरवाइज दैट वुड कॉज अ ह्यूज लॉस टू आवर क्रॉप्स सो द प्लांट क्वारंटीन मेजर एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट टूल इन एक्सक्लूडिंग पेस्ट एंड डिजीजेज फ्राम द क्रॉप हम इसमें किसी भी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेट फाइटोसैनिट्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें इंश्योर किया जाता है कि पर्टिकुलर प्लांट में कोई पेस्ट या पैथोजन नहीं है

या फिर लूज मार्ट ऑफ वीट है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट क्वारंटीन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आप इसको चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड थैंक यू सो मच